श्री समीर शिखर जी की पवित्रता और स्वतंत्र पहचान को नष्ट करने के लिए झारखंड सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा जारी गजट को रद्द करवाकर पर्वतराज और मधुबन को पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित कराने हेतु जनवरी 2022 से जैन संतों के आशीर्वाद व मार्गदर्शन से कार्यरत विश्व जैन संगठन के आह्वान पर संपूर्ण विश्व में सकल जैन समाज द्वारा श्री समीर शिखर जी बचाओ आंदोलन जारी है। आंदोलन के अंतर्गत 11 दिसंबर से रामलीला मैदान के साथ संपूर्ण भारत में रैलियां व सभाओं के माध्यम से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, जिसमें आज शनिवार सुबह 11 बजे पुलिस सहायता केंद्र पर जैन समुदाय के लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर लगभग 2 दर्जन से अधिक लोगों ने नारेबाजी कर मुंडन कराया और कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो आए संपूर्ण भारत की जैन समाज द्वारा आंदोलन करेंगे। अन्य शहरों में लाखों की संख्या में जैन समाज ने अपना रोष प्रकट कर अपनी मांग केंद्र सरकार और झारखंड सरकार से रखी। जैन समाज की प्रमुख मांग जैन समाज का सर्वोच्च तीर्थ श्री समीर शिखर जी को अविलंब पवित्र जैन तीर्थ स्थल घोषित करे सरकार। मुंडन कराने वालों में हरेंद्र जैन, देवेंद्र जैन, विनीश जैन, निखिल जैन, रानू जैन, पारस जैन, धर्मेंद्र जैन सहित 2 दर्जन से अधिक शामिल हुए हैं। केवल और केवल इस भावना से इस मुंडन कार्यक्रम में शामिल हुई है कि जिससे कि हमारा समय शिखर पर जो कुटाला घाट केंद्र सरकार के माध्यम से किया गया है कि उसे पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है, जबकि वह जैनों का मंदिर है, जिनाला है, और उस जिनाला पर ऐसा कटारा घाट केंद्र सरकार और राज्य सरकार के माध्यम से, झारखंड सरकार के माध्यम से किया गया है कि हमारे उस मंदिर को दूषित करने के लिए, वहां पर व्यसनों को और शराबन करने के लिए खुली छूट दे दी गई है, जिसके विरोध में हमारी सगन दिगंबर जैन समाज ये विरोध करती है कि उस अपने विचारों को केंद्र सरकार वापस ले, जिसको पालन कर दिया गया है, जिस को पालन किया है उसे वापस ले, और जिससे कि हमारे सगल दिगंबर जैन समाज और पूरे विश्व भर के समाज का और सबसे सनातन मोक्ष स्थली के रूप में जाने जाला समय शिखर वह स्वच्छ और पावन और पवित्र रहे। इस भावना से यह आज हम सकल दिगंबर जैन समाज का संपूर्ण विश्व में चल रहे मुंडन कार्यक्रम का हम भी हिस्सा बने हैं और आज इसी का